आज है लास्ट डे इन अरुणाचल प्रदेश, ऐसा लिखा होता है लखनऊ या फिर कहीं पधारी अब लखनऊ में, आई अब लखनऊ में, कुछ ऐसे तो मुस्कुराइए अब लखनऊ में। मैं आपको बोलूँगी आप घबराइए क्योंकि अब अरुणाचल में क्योंकि आपको खाने के ऑप्शंस कम मिलेंगे। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपके पास बहुत ही सारे ऑप्शन और बहुत ही उम्दा ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। और आज बात यह है कि आज सुबह सुबह ये हो गया हमारे साथ, तो यहाँ पे होटल में, जिस होटल में हम रुके हुए हैं वाई इंटरनेशनल, तो वो होटल में शायद गेस्ट कम होंगे, और वो जब गेस्ट कम होते तो ये लोग ना बुफे नहीं लगाते ब्रेकफास्ट में। हम आए आराम से 9:30 बजे उठ के, क्योंकि आज हमें आज ऑफिस का काम नहीं, बिकॉज आज ही हमें निकलना है। तो हम उठ के आया, देखा कि यहाँ तो कुछ खाना ही नहीं है, फिर हमें ऑर्डर करना पड़ गया। तो ऐसा भी होता है, पता है आपको, बुफे भी नहीं लगता है चार लोगों के लिए। आई डोंट नो कितने लोग हैं यहाँ पे, शायद इस होटल में अभी दो चार ही लोग होंगे या फिर दो चार रूम बुक होंगे। यही है, और ये खाना मेरा ऑलरेडी स्टार्ट हो गया। मैंने सोचा है ब्लॉग स्टार्ट कर ही लेते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं तो आपको आगे की चीज़ें दिखाएंगे, बिकॉज दोपहर में मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ गर्मी बहुत है, और यहाँ का जो एयरपोर्ट है बहुत छोटू सा एयरपोर्ट है। आई डोंट नो वहाँ पे एसी भी था कि नहीं। गुड मॉर्निंग स्वाति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गाइस व्यू देखो आप स्वाति के साथ। तो एक्चुअली हम सोच रहे थे पहले से रूम में ले जाए, फिर स्वाति ने कहा कि व्यू के साथ खाना खाएंगे हम, तो हम व्यू के साथ खाना खा रहे हैं अभी। तो ये रहा मेरा खाना, ब्रेड ऑमलेट, स्वाति का ब्रेड और एक डोसा। तो हम खा चुके हैं ऑलरेडी, थोड़ा थोड़ा ऑलरेडी फिनिश हो चुका है। अब देखते हैं और क्या खाना है, खाना है तो अदरवाइज निकलते हैं यहाँ से, रेडी होना है, नहाना धोना है और पैक पैक भी करना है और फिर हम निकलेंगे। और लंच का क्या सीन है वैसे, वहाँ तो कुछ नहीं है लंच में, मुँह पे रह जाएंगे गाइस, बाय, अब टेंशन हो गई, बाय बाय। सो गाइस वी आर ऑल सेट टू गो, सो दिस इज माय टुडेज एयरपोर्ट लुक। मेरे को आजकल मैक्सी ड्रेसेस कुछ ज़्यादा पसंद आ रही हैं, तो मुझे बड़ा फ्रीली फ्रीली सा लगता है, और थैंक मतलब रिलैक्स लगता है, बहुत कंफर्ट जोन फील होता है। और जब ट्रैवल करना हो इतना दूर तो ऐसे कपड़े पहनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं वैसे भी पजामे वजामे में ट्रैवल करती हूँ। तो मैंने सोचा मैक्सी ड्रेसेस पहनी जाएँ, तो यस वी आर ऑल सेट, शी इज़ ऑल्सो सेट, बैग्स हो चुके हैं रेडी। ये रहे हमारे बैग, ये रहा मैं, मेरा बैग और मेरे कपड़े मैच हो रहे हैं गाइज, मैचिंग हो रहा है सब। वैसे ये वाला बैग ज़्यादा सूट करेगा मेरे ड्रेस के साथ, बट इट्स ओके, कहीं ना कहीं तो हम मैच करा ही लेंगे। तो दिस माय न्यू आउटफिट बाय द वे। तो चलते हैं, लेट हो रहा है, लास्ट टाइम देख लेते हैं हमारे रूम, हम ऐसा छोड़ के जा रहे हैं इस रूम को। बाय 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 इंटरनेशनल। निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए, और यहाँ की बादल इतनी ही खूबसूरत है, तो कैप्चर को शायद उतना नहीं कर पाऊंगी जितना मैं देख के एंजॉय कर रही हूँ। यहाँ चल रहा है गाना कॉपीराइट क्लेम हो जाए, उससे पहले क्या बस व्यू देख लो। एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, स्वाति को देखो फोटो ले रही है, और यहाँ का व्यू देखो मस्त एकदम। हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट, लेट्स गो इनसाइड। फ्लाइट में भी 400 का ही मिलने लगा है अब शायद, और यहाँ पे भी हमें एयरपोर्ट पे भी 400 का मैगी मिल रही है, तो क्या खाएं बताओ, ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है। 400 का मैगी यार, 400 का मैगी इज क्वाइट एक्सपेंसिव ब्रो, बट देन दीज आर आल्सो वेरी स्मॉल, कोई मतलब नहीं उससे, अच्छा तो टेस्टी नहीं होते, और ये बहुत मैंने चिकन का तो नहीं खाओगे ना, कोई गर्म नहीं तो क्या अभी आया जो आप खा के देखो, मैं फिर वही ले लूंगी, कितना का पैकेट का गाइस, व्हाट इज दिस बिहेवियर, मैगी ले लेते हैं, ठीक है दो मैगी ले, फिर भी हम मैगी ले रहे हैं बिकॉज़ यार खाने के ऑप्शंस और भी हैं, जैसे कि ये, बट ये सब खाने का बिल्कुल मन नहीं है, नीचे सारा चिकन है ऊपर वेज है, बट आई डोंट नो ये कैसा होने वाला है, और ये खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, इसलिए संजय ने पहले ही मना कर दिया है कि मैं नहीं खाऊंगा। अच्छा है, दो मैगी दे दीजिए, एक और आइस कॉफी, कितने का आइस कॉफी, वो ढूंढ रहे, वो दिख रही है, वो रहा ना नीचे, ओ भाई कितने का है ये, वो एमआरपी आइस कोल्ड कॉफी और पेप्सी, फिर ठीक है गाइस, ये प्राइस ठीक है, ये जिंदगी का सबसे महंगा मैगी खाने
ये तो पहाड़ों वाली मैगी से भी ज्यादा महंगी हो गई। मेरा मैगी मसाले का पाउच है क्या आपके पास? चार गाइस व्हाट इज हैपनिंग। वैसे मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, यहाँ पे जो एयरपोर्ट है छोटा सा तो है ही साथ में, पर बाहर जंगल है, नहीं खेत है बाहर। अभी दिखाऊंगी थोड़ी देर में। हम मैगी ले लें जरा, अपने गर्म पानी डलवा के बनाने दो इनको। वैसे और भी चीज़ें यहाँ पे, ये भी है मॉम्स का फ्राइड राइस, पास्ता और बिरयानी फिरयानी, और ये सब हम खाते नहीं हैं। इनको चॉकलेट्स भी हैं बाय द वे। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है ये बात, ये जो 400 रुपए की मैगी है, ये जो 400 रुपए की मैगी है, हाउ इज इट जॉर्ज, डिड यू लाइक इट? 400 रुपए की मैगी खा रहे हैं हम लोग, डू यू नो दैट? स्वादी ने जैसे बोला कि ये अपनी लाइफ की अभी तक की सबसे महंगी एक्सपेंसिव मैगी है ये। हे भगवान, और लिटरली इसका कोई टेस्ट नहीं है, कोई नमक मिर्च मसाला कुछ नहीं है। आई वॉज थिंकिंग कि अगर मेरे पास मैगी मसाला होता जो मैंने एक्चुअली अपने बैग में रख भूल गया वो होता और मैं डाल के खाती तो शायद कहीं ना कहीं अच्छा लगता, बट 400 रुपये की मैगी होती है, 400 रुपये वेस्ट है। दीदी बहुत अच्छे से खा रही है, बहुत इंजॉय करके, उसके पैर पे कॉकरोच तक घूमने चला गया लड़की को, होश ही नहीं है। बाय द वे, तो चीयर्स टू मैगी, चीयर्स टू अस, चीयर्स टू 400 रुपीज जो वेस्ट है, बट भूख लगी थी, खाना पड़ेगा, खाना है, ये होता है गाइस, लूट मची है मैं बता रही हूँ। हमारे पास आते हुए और ये रहा एयरपोर्ट, वो हमारी फ्लाइट खड़ी है वहाँ पे, लेट्स गो। इस कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचने के बाद हम बस यहाँ पे घूम रहे हैं, और हुआ ये कि इसके बैग में, ये लड़की के बैग में क्या था? कुछ भी नहीं, इस बैग में कुछ भी नहीं था, और इसका बैग चेकिंग में डाल दिया था। हम इतनी देर वहाँ खड़े रहे चेकिंग की लाइन में कि भाई इसके बैग को देखने कि क्यों रुकवाया है। जो कलीग हमारे साथ जो आया था वो भाई साहब को पता नहीं कहाँ है, वो पता हमें पता ही नहीं कहाँ घूम रहा है, और फिलहाल बहुत ज़्यादा ही भूख लग रही थी तो खा ना लेते हुए साथ ही। तो हम खाना वाना ले चुके हैं, प्लस साथ में मैंने कुछ और भी लिया है खाने के लिए। अब वो खाने के लिए वो क्या है वो थोड़ी देर में दिखाऊंगी। तो नीचे पहुँच जाते हैं, जो हमारा गेट है, एक्चुअली हमारा जो गेट है वो नीचे है, तो हम नीचे जा रहे हैं, और आई एम सुपर एक्साइटेड टू गो होम। वेयर इज माई फ्लाइट नंबर? डिले विले तो नहीं है फ्लाइट? इट्स फूड टाइम, लाइक लंच टाइम और वॉट एवर इट इज, ना इवनिंग स्नैक है ये, लंच है ये, इवनिंग स्नैक है, ये सारा टाइम है। मैं आप एक चीज़ दिखाऊँ आपको, लुक एट द व्यू, हम व्यू के साथ खाने खा रहे हैं बस, मुझे ऐसा लग रहा है मॉर्निंग से व्यू के, यहाँ पर भी तो यहीं से लगा लेता चार्जिंग व्यू। सो कॉफ़ी एंड पिज़्ज़ा, मैंने पिज़्ज़ा लिया है, इन्होंने भी पिज़्ज़ा लिया है, नाइस, और पिज़्ज़ा हट से लिया है बाद में, तो मुझे पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा पसंद है नहीं, लेट्स सी कैसा होने वाला ही है, वैसे सुंदर दिख रहा है, नाइस, एंड एज यूजुअल पिज़्ज़ा इज़ लो। क्वेश्चंस तो मैंने आप लोगों से भी मांगे हैं, आपने पता नहीं कमेंट में बताया कि नहीं, तो आप कमेंट में बता सकते हो कुछ क्वेश्चन अगर आपको आंसर चाहिए कुछ व्लॉग से रिलेटेड, कि यूट्यूब से रिलेटेड कुछ नॉलेज लेनी हो यूट्यूब से रिलेटेड, तो आप कमेंट में बता सकते हो। बट जो मेन लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने क्वेश्चन कर कर के इतने आंसर्स बटोर लिया, जहाँ से मुझे ये आइडिया आया कि मैं इस पर भी व्लॉग बना सकती हूँ, तो मीट दोज पर्सन्स, मीट स्वाति अगेन, मीट संजय, इसने भी बहुत क्वेश्चन किया है, इसने भी बहुत क्वेश्चन किया है, तो मैं पूछने वाले हैं, तो स्वाति से मैं क्वेश्चन का लिस्ट ले रही हूँ एक्चुअली जो उसके दिमाग में आ रहे हैं, एंड व्हाट शी इज डूइंग, वो व्हाट्सएप पे मुझे सारे क्वेश्चन लिख के भेजेगी। एंड ये आई वाज थिंकिंग कि मैं लिख लूँ कहीं पे या फिर मैं इसका वॉइस रिकॉर्ड कर लूँ, बट
वो लिख के भेजेगी तो अब मैं उनके आंसर कर दूंगी। तो ऐसे ही आप भी कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हो, जो भी आपका क्वेश्चन है व्लॉग से रिलेटेड, यूट्यूब से रिलेटेड, यूट्यूब की इनकम से रिलेटेड, कुछ भी कुछ भी कुछ भी कमेंट में बता दो। अभी भी बता सकते हो आप, बाय द वे तेरे भी क्वेश्चन है कुछ? फोन पे बात कर रहा है, फोन पे बात कर रहा है अभी कर बाद में बताऊंगा। ओके, और मेरा फ्लाइट ऑलमोस्ट शायद यहाँ पे लग चुका है, 10-15 मिनट में मेरी बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, फिर हम दोनों अलग अलग हो जाएंगे। कैसे देखो ये, ओके तो हम दोनों अलग अलग हो जाएंगे, वापस आ गए हाँ यार। या फिर जब भी मैं कभी लखनऊ हुआ या फिर इनका कभी मुंबई आना हुआ तब, बट इट वॉज नाइस मीटिंग हर, बहुत प्यारी सी लगी है, क्यूट क्यूट, मतलब मेरे को ऐसा अजीब अजीब सा नहीं लगा कि हाँ थोड़ा होता ना फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं तो थोड़ा अजीब अजीब सा लगता है कि ज़्यादा बात नहीं करना या फिर आप थोड़ा सा खुल नहीं सकते हो, ऐसा कुछ नहीं था। वैसे तो मैं खुल ही जाती हूँ पर ये इसके साथ में कम्फर्टेबल थी अच्छे तरह से। जो मुझे लगता था टीचर के बारे में मैं ऑलरेडी उनको बता चुकी हूँ, एंड एग्जैक्टली जैसी बुक जस्ट फॉर एवरीवन ऑन दैट साइड ऑफ द स्क्रीन, वो एक्चुअली जैसी ब्लॉग पे शी को मिल जाता है। ओह माय गॉड, यस यस, ये तो जो लोग जानते हैं उनको पता है, तो ब्लॉग में भी मैं वही दिखाती हूँ, लोगों को लगता है कि यार आप कहानी बना रहे हो, फेक है, ओवर एक्टिंग है, जस्ट फॉर द व्यू, वो नहीं, जिस दिन उनको काम था उनको फोन उठाना भी भूल गई। सही बात है, ओके तारीफ हो गई मेरी, डन, आई एम डन विद इंडिगो। मेरे साथ ही क्यों होता है इंडिगो वालों, ऐसे मेरे साथ ही क्यों करता है ये लोग? तो बात ये है कि ये लोगों को जाना लखनऊ, ठीक है, ये भी इंडिगो वाले ही हैं, बट ये लोगों का मेरे से लेट बोर्डिंग था लेकिन मेरे से पहले स्टार्ट हो गया, और यहाँ इनका गेट है, वहाँ मेरा गेट है 15। ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है गाइस, ऐसा क्यों होता है? इंडिगो वालों इस वजह से ना, इंडिगो में जो मेरी कज़न है वो सुनती है, पता है, मैं उसको सुनाती हूँ, मैं तेरी फ्लाइट वाले ऐसे करते हैं, क्योंकि वो एयर हॉस्टेस है, सिमरन की बात कर रही हूँ, सिमरन सुनेगी अभी यहाँ पे। गाइज इनको बाय तो बोल दूँ मैं, स्वाति बाय बाय। तो इनको चढ़वा के मैं जा रही हूँ, बाय। हाँ टाइम है मेरे को वहाँ पे अभी। सो गाइस इनकी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, मतलब वो लोग जा रहे हैं, मेरा अभी बहुत भीड़ है, तो मैं आराम से भी जाऊँगी तो भी चलेगा। तो यहाँ पे बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, दोनों की बोर्डिंग सेम टाइम पे हो रही है। सो इट वाज अ नाइस मीटिंग हर, इट वाज नाइस टाइम, लेट्स गो नाउ। फाइनली आई रीच्ड मुंबई एयरपोर्ट, फाइनली एट होम, फाइनली एट माय प्लेस, फाइनली घर घर घर, ना बुबू। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहती हूँ कि मैं क्या लाई हूँ खाने का, तो वेट करो पहले दिखाई देती हूँ, वेट वेट। सो दिस आई गॉट फॉर समवन स्पेशल, सो लेट्स गो आउटसाइड और देखते हैं। अगर कोई मुझे पिक करने आया होगा तो ये उसके लिए है, और मुझे कोई पिक करने आया है या नहीं, आई डोंट नो, मुँह मीठा कराया जाएगा। So let's go, and I'm super excited for this. तो वैसे अभी मैं डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे लैंड हुई है मेरी फ्लाइट, तो ज़्यादा मुझे चलना नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं ऑलरेडी डोमेस्टिक से मतलब अपना बैग ले ही चुकी हूँ, बस अब मुझे बाहर ही निकलना है। लेट्स गो आउट, एंड अब मैं दो दो चीज़ कैसे लेके जाऊँगी यार, लेट्स सी, लेट्स सी कौन कौन है वहाँ बाहर, कोई है क्या, कोई है क्या बाहर? ऐसे लेके जाएंगे हम स्पेशल खाने का सामान किसी के लिए, देखो बाहर बहुत सारे लोग किसी ना किसी का वेट कर रहे हैं, मेरा कोई वेट कर रहा है या नहीं मुझे नहीं पता। तो ये है उसी के लिए, अभी जिसके लिए है उसको मिल जाएगा, तो मैं निकल रही हूँ बाहर, मिलते हैं बाहर, मिलता है। चुकी हूँ मैं घर, और सोना कहाँ है, सोना ऊपर आ जा, मम्मा के पास, मम्मा के पास, मेरी बेटी, मेरी बेटी मम्मा से मिल ली, चाहनी मम्मा से मिल गई, मम्मा विश कर रही थी, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, सब ये बोता रही यार। खाना खाएंगे, इस लड़के ने खाना नहीं खाया, मुझे सबसे पहले काम करना है, खाना खिलाना है, और
खुद का मन नहीं हो रहा है खाना खाने का, क्योंकि पता नहीं अजीब सा हो रहा है. एंड इट्स गुड टू बी बैक होम एंड आई एम लविंग इट. एज आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आते ही मुझे कुछ अच्छा अच्छा फील होगा, बट आई एम नॉट फीलिंग द सेम. ऐसा लग रहा है कि यार मैं बाहर ही देखती क्यों आ गई, मेरा ऑस्कर है, काश मैं इसको लेके जा सकती अपने ट्रिप्स पे, तो मैं आती भी नहीं. तुमने खाना नहीं खाया तो मुझे उसके लिए आते ही मैं सोच रही हूँ बाहर का ना खिला के या राइस ना खिला के उसके लिए आटा गूंथ के रोटी बना दूँ फटाक से, तो मेरे बेबी भी खाना खा लेगा. तो गाइस पापा इसको भूख लग रही होगी ना, खाना खिला के उसको मिलता है, फिर आपसे दोबारा मिलेंगे. आउटडोर जनरल बहुत गर्मी हो रही है यहाँ पे. घर पहुँचने के बाद खाना वाना तो मैंने खाया नहीं है, भूख लग भी दिया नहीं भी मन नहीं कर रहा, बट ऑस्कर को खिला दिया है. और अच्छी बात यह है कि ऑस्कर ने खाना खा लिया है और भाई साहब अब रूम में है उस वाले में, अब सोने की तैयारी हो रही है, तो मुझे भी बहुत थकान हो रही है और ऐसा कि बस सोया जाए. और अभी ब्लैंकेट सामान भी मंगाए क्योंकि ऑस्कर का पेडिग्री वेट फूड ना ख़त्म हो गया था, तो वो मिक्स कर देता तो अच्छे से खा लेता है, रोल डालता है तो भाई साहब नहीं खाते, तो पेडिग्री मंगाया थोड़ा सा डाला तो भाई साहब ने एटलीस्ट आधा पौना रोटी खा ली है, वरना नखरे भाई साहब के बहुत ज़्यादा हैं. तो खाना वाना हो गया है, अब जा रहे हैं नहीं करने. तो इसी के साथ करते वाला ब्लॉग एंड. आपको करना है लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, डिस्क्रिप्शन पे है सब लिंक. गुड बाय. मुझे स्टूडेंट्स कर दो, हाथ करो मम्मा को, मम्मा को टूडल 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 टूडल्स. बाय बाय, गुड नाइट, सी या, टिंग, बाय बाय, मुझे बाय, गुड नाइट. गुड नाइट. ओके, ये नहीं करेंगे अब नहीं करेंगे. गुड बॉय हो गया शो. गुडी बॉय, गुडी बॉय.